रहमान रहीम द मैनेजर ग्रुप रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मैनेजर ग्रुप के प्रोजेक्ट रफी ब्लॉक में इस वक्त मौजूद हूं। पहले लीन की गई है, उसकी वीडियो आपको पहले दिखा चुके हैं। लीन के बाद जो काम शुरू हुआ है, अभी मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ। इसमें हमने एक पायल का बोर कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मिट्टी काफ़ी हार्ड निकली है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बड़ा करम किया। जिस तरह रफी ब्लॉक में कहते हैं मिट्टी बहुत नरम है और फिलिंग वाला एरिया, हमारे तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी मिट्टी नीचे से हार्ड निकल आई है। तकरीबन 6-7 फुट हार्ड में हम चले गए। जी आगे मशीन शिफ्ट करें, ये आप देख सकते हैं दो नौजवान लगे हुए हैं, इनकी हिम्मत है माशाल्लाह। आज 3-4 बोर करने हैं शहजादे, ठीक है, काम को जल्दी से जल्दी कम्प्लीट करें। ये आप देख सकते हैं निशान दिए हुए हमने पायलों के, ये बोर कर रहे हैं। उसके बाद अभी थोड़ी देर तक वो सरिये वाला, सरिया बांधने वाला आ जाएगा, वो पहले तैयार करेगा। उसके बाद साथ ही कोशिश करेंगे कि इसको जो है ये बोर के अंदर डालते जाएं और मिक्सर मशीन बुलाकर मंगाकर इसका जो है साथ साथ बुराई होती रहे। दिलशाद, मिट्टी कैसी निकली है? A1 माशाल्लाह। कि आप देख रहे हैं, मैं रफ़ी ब्लॉक, ये जो अल्लाहू वाला चौक है, इसको अल्लाहू वाला चौक कहते हैं, यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। बिल्कुल सामने मेरी उंगली के बिल्कुल सीध में देखें आपको, यहाँ पे रफ़ी ब्लॉक की जामिया मस्जिद है। और बताने का मकसद यह है, ये लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, 1322 नंबर प्लाट है, बिल्कुल सामने ये जो सामने घर बना हुआ है इसके अपोजिट है फ़िलहाल वो प्लाट है। इंशाल्लाह ताला 2 महीने बाद वो मकान बन जाएगा, स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो उसकी जो पहली पहल मैंने आपको दिखाई थी, और उसके बाद दूसरी भी हो गई है, अभी मुझे कॉल आई है, और तीसरी जगह मशीन शिफ्ट हो गई है, अभी मैं विज़िट करने जा रहा हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। जी हाँ जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो बोर हुआ है तकरीबन 30 फुट पर हम गए हैं, ये 25 फुट पर मिट्टी ठीक आ गई थी। उसके बाद हम 5 फुट हार्ड में गए हैं, ये आप देख सकते हैं पक्की मिट्टी है, ये पायल नंबर 1 है। अभी आ जाए ये पायल नंबर 2 है, ये आप देख सकते हैं इसका ये तकरीबन 24 फुट पे ये हार्ड मिट्टी आ गई थी। 5 फुट हम फिर नीचे गए हैं, 30 फुट तक हम गए हैं, और ये यहाँ से मिट्टी बहुत पक्की आ गई है, फिर हमने इस बोर को छोड़ दिया। अभी हमने ये शुरू किया, ये आप देख सकते हैं ये कितना हो गया है, अभी तक 24 हो गया है, 24 हो गया है, हार्ड आ गई है। इसको 6 फुट नीचे लेके जाओ ताकि एक ही लेवल रह जाए, खाली जो है ना 30 फुट होने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मरीज का निशान लेवल का निशान सीधा कर रहे हैं, मरीज का लेवल निशान सारा थ्रू होल्ड लगा रहे हैं। अभी जब चौथी पैल शुरू होगी या उसका बोर मुकम्मल होगा, वो भी फिर आपको दिखाएंगे। और ये प्लाट की वीडियो जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वीडियो सारी देखें, यानी कि इस प्लाट की स्क्रीन से लेकर आखिर तक, प्लस्टर तक, चैनल तक आपको ये वीडियो मैं दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। ये प्रोजेक्ट है, प्लाट नंबर है 1322 रफी ब्लॉक बैरिया टाउन 6-8। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वां बोर शुरू है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, वो तीसरे पे शुरू हुआ था, उसके बाद एक शाम को दिया, उसके बाद एक जो है ये दिया, ये तकरीबन आधा हो गया था, 15 फुट आ गया। ये जो बोर है ये तकरीबन 30 फुट तक मुकम्मल हो रहा है, तो मैं 24-25 पे आ जाती है वो हार्ड निकालनी शुरू होती है, तो 5-6 फुट जो है उस हार्ड पर जाते हैं, इसलिए तकरीबन है 30 फुट तक मुकम्मल हो रही है। सॉरी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम इस वक्त फिर ख़राब हो गया है, मैंने वो लड़के को भेजा है, अब वो प्लास्टिक जो बोर हो गए हैं उसके ऊपर प्लास्टिक डाल देते हैं ताकि इसके अंदर पानी ना जाए, और उसके साथ साथ मिट्टी जो है ये निकाल रहे हैं और प्लाट साफ कर रहे हैं। इसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला प्लाट को साफ करेंगे, और उसके बाद जो है हमारा रहने का चीज की पहले बना के बाद में डालें, मगर मौसम ख़राब होने की वजह से मेरा ये रहना है जब ये बोर करता है उसके बाद ये स्टील वाले को बुलाते हैं ताकि वो उस चीज़ की पहले बना के ये बोर के अंदर डाली जाए ताकि नुकसान कम से कम हो। तो आज की वीडियो यहाँ पे करते हैं ख़त्म। तो आप यहाँ भी रहें, खुश रहें, दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया।